हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए क्योंकि अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे हो गए। भाई गाइस, आज घर के अंदर काम चल रहा है, दिवाली की तैयारी चल रही है। अभी फिलहाल पेंट वगैरह होगा कुछ टाइम बाद। अभी जो हमारे गेट है वो लोहे के हैं, तो उनमें पानी पल पल के ना वो गल चुके हैं, तो अभी उन पर वेल्डिंग हो रही है, मतलब वो रिपेयर हो रहा है पूरे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिपेयर हो रहा है। भाई गाइस, तो मैं ब्रश वगैरह भी नहीं कर सकता, ना मूव वगैरह धो सकता, क्योंकि बाथरूम का गेट ही पहले रिपेयर हो रहा है। अब पता नहीं कब तक रिपेयर हो, पहले वो रिपेयर हो जाए फिर मूव वगैरह धोएंगे हम। मैं देख रहा हूँ इसकी आँखें कितनी अंदर है, ये देखो, ये इतनी गहरी गहरी आँखें हैं इसकी, ये इतनी गहरी गहरी, इतनी गहरी गहरी आँखें हैं इसकी। हमारी आँखें देखो कितनी नहीं, मतलब देखो तेरी नाक दिखती ही करके देखती तो तू दिख रही है, मतलब बहुत अंदर धसी हुई तेरी आँखें। करवा ले वेल्डिंग, चाय बना पहले, भूख लग रही है। नाश्ता मैं कहां से बनाऊं अंकल, मुझे खुद भूख लग रही है। तो कितना तेज रिफ्लेक्शन है इसको, बाहर ने ब्लैक चश्मा क्यों नहीं पहन रखा, आगे खराब हो जाती ना भाई इससे, इसको देखने अरे देखने से रोशनी है ना। गाइस आप भी मत देखना, आगे खराब हो जाएंगी। तू भी कर ले वेल्डिंग, मतलब नजरें नहीं मिलाते इससे, क्यों आगे खराब हो जाती है। हाँ क्या इतनी तेज रिफ्लेक्शन है, देखियो भी देख कितनी तेज रिफ्लेक्शन है, ये देख है ना, है ना कितना बहुत तेज। अपने को देखने की चुलबुली और अपन देख रहे हैं, यूं कर करके देख रहा हूँ मैं। वेल्डिंग हो रही तो लड्डू को ही बोल दो, अपने मुंह पे करवा ले, मुंह बंद रहा है उसका हमेशा। हैं कंबल क्यों, कंबल मुंह बंद कर रहा है, करवा दो मेरा मुंह बंद, नहीं तो तब भी ऐसी हिमायती, मतलब देखो तो, मतलब शादी होने वाली है ना, जाने वाली है, तो देखो कितनी हिमायती। हाँ तो तभी तो, अरे तो उसके ससुराल वालों को इतना अच्छा गिफ्ट देंगे ना, वो बोल ही नहीं पाएगी कभी, उसके मुंह पे वेल्डिंग रहेगी। तो गाइस अब चाय आ चुकी है और अब टाइम हो रहा है 4:30, मतलब 4:30 बजे हम नाश्ता कर रहे हैं अपना, देख रहे हो कितना लेट नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस गेट तो सारा रिपेयर होगा, बस अब इन पे पेंट होगा, बाकी देखना कितनी गंदगी हो गई। ओ भाई, तो फिलहाल गाइस अभी जा रहा हूँ मैं मोमोज लेने के लिए, पर मैं मोमोज वाले लेने आ रहा हूँ जिसकी म्यूनिस में ना एग नहीं होता, बिना एगलेस वाली म्यूनिस वाले हम मोमोज लेने आ रहे हैं, और एक व्हाइट सॉस पास्ता लेने आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ कैमरेमैन, क्या हाँ सही कह रही, कैमरेमैन के बहाने हमारी वजह से ही तू फेमस हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मैं भी नहीं कैमरे में, तो बेटा जितने लोग हैं ना 1000 सब्सक्राइबर, वो 1000 जो मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वाली में 4.5 आ रहे हैं, 4.5 वाली में, पतंग वाली में, वो पतंग तो तू 4000 देख थंबनेल इसमें ही है, तू पूरी वीडियो में आने के बाद तेरे 1000 सब्सक्राइबर्स में थंबनेल आने में, थंबनेल की वजह से 4000 हो गए। कितने दिन में, ऑर्डर दे रखा ना भैया, वो रेडी है ना, ठीक है चलो गाइस चलते हैं मोमोज लेने, व्हाइट सॉस पास्ता लेने, ले लिया हमने अपना, अब घर चल के खाते मस्त। तो गाइस इतने दिनों बाद मोमोज, गाइस देखो सौरभ भाई ने सुसु कर दिया यहाँ पे। देखो गाइस कितना सारा सुसु, गाइस सौरभ भाई की सारी कोल्ड ड्रिंक गिर दी मैंने यहाँ पे। तो गाइस अभी ललित मेरे को जबरदस्ती रामलीला लेके जा रहा है, जबकि मेरा जाने का मन तो है नहीं, पर बेचारा बाहर खड़ा है, कह रहा जल्दी आ जा, चलना है तेरे को, कसमें दे रहा है मेरे को, तो चलो चलते हैं रामलीला। शूज वगैरह तो पहन लिया, वैसे रेडी हूँ बस, मैंने शूज पहने और ऐसे जा रहा हूँ उससे मिलने। आप भी चलोगे बाबू, मैं आपको लेके गए ना, पूरा रामलीला खाली हो जाएगी अगर मैं तुम्हें लेके गया तो, रात में घूमेंगे पक्का, बाय। बेटा मन तो मेरा है नहीं तक जाने का, तू लेकर लेके जा रहा बिना फालतू के।
क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है। तो गाइस यार ललित को मिल गए हैं झूले के पास, और ललित फ्री में झूला झुला रहा हूँ मैं। है कितने कितने पास मिले भाई? 10 पास मिले यार। मैं झूला रहा, मैं झूलू। चल देखते बाकी झूल पाएंगे नहीं झूल पाएंगे। भाई रहने दो यार, मत लेके जाओ। प्लेट में चढ़ा नहीं गया। अबे उस दिन बैठा था भाई, इसका लड्डू उल्टी हो गई थी, मेरे को भी हो जाएगी। देखते भाई, भगवान भला करे। भाई मेरे तो अभी से हालत बुरी हो रही है। हालत तो देख लिया, तो वीडियो बना रहा है यार। यहाँ वॉमिट ना हो जाए बस। ऑल द बेस्ट भाई, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे जरूर। भाई तो झूले भी नहीं, और आंखों में से आंसू आने स्टार्ट हो गए मेरे। मम्मी मेरे को डर लग रहा। ये मतलब बच्चों को डर नहीं लग रहा, मतलब बच्चों को डर नहीं लग रहा, हमें डर लग रहा है यार। भाई हाथ वालों की हालत देख लो मेरी, क्या हो चुकी है। वो चक्कर आ रहा है, हालत पूरी हो गई भाई। ओ तो गाइस अब जा रहे हैं हम लंबे वाले झूले में। तो गाइस हम तो उतर चुके आधे झूले में से ही, क्योंकि बहुत डर लग रहा था। और ये बच्ची भी रो रही थी, रोने लग गया। मतलब भाई हम सारे डर गए, उतर गए। ओ भाई और इधर देखो, मेंटल का झूल रहा है ये। हमारी तो हालत ही बुरी हो गई थी। ओ भाई भाई, भाई हम तो आज हम तो आने झूले में से उतर गए। ऊपर जब जा रहे हैं तो इतना डर नहीं लग रहा, जब नीचे आ रहे हैं ना तो मतलब अलग ही गुड़गुड़ सी हो रही है। अब अलग सी गुड़गुड़ सी हो रही है पेट के अंदर। भाई ललित भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इतने दो बात करवाता हूँ, मेरे बस की है ही नहीं भाई। ऊपर से नीचे आते हैं इतना घबराहट सी होती है ना। पता नहीं टांगे कैसी हो रही थी, यूँ टांगे तो हमारी थी। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं, पूरा रामलीला हमने एंजॉय कर लिया, मजा आया फ्री में घूमने में, क्योंकि ललित ने पास ले लिए थे ना, तो फ्री में घूमने का तो मजा ही लगे। अरे पागल, काले 150 रुपए लगे पास तो, अभी भी जेब में एक पास पड़ा हुआ है, वो कल यूज करेंगे हम। मजा आया बाकी गाइस, अब घर चलते हैं। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ, अब आराम करें। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ, अब करेंगे इस ब्लॉग को बैठ के एडिट, बाकी मम्मी में घूर घूर के देख रही है। तो फिलहाल के लिए भी मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नहीं है चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।